बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैं अपने एक्साइटमेंट रोक नहीं पाती। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रितु एंड यू वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि मैं आप लोगों से आज क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं करने वाली हूँ टी शर्ट हॉल शेयर। तो गाइस, मीशो से मैंने कुछ टी शर्ट्स ऑर्डर्स की है जो कि मुझे कैसी लगी है, ये मेरी वीडियो देखकर आपको पता लगने वाला है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके साइजेस कैसे आई हैं, क्या सच में वो प्लस साइज में मुझे वहां से मिल गई है। ये सब कुछ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा और इसके लिए मुझे आपको वीडियो मेरी एंड तक देखनी पड़ेगी। तो गाइस, बिना बातें किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और वीडियो में मेरी बात सुन लो। इस बार सिर्फ प्लस साइज की टी शर्ट से नहीं है, इसमें मैं एक्सल और 2XL की टी शर्ट भी आप लोगों से शेयर करूंगी। गाइज, अगर आप एक्सल या 2XL के हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उससे प्लस साइज के हो तो आप किसी को गिफ्ट करनी हो या अपनी बेटी के लिए आपको मंगानी हो तो आप मंगा सकते हो, क्योंकि ये टी शर्ट मैंने निखार के लिए ही ऑर्डर की थी। पिछले दिनों हम कुछ वेकेशन में गए थे तो उसके लिए निखार को टी शर्ट चाहिए थी, तो मैंने मीशो से ऑर्डर की। तो गाइज, देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, जो कि मीशो पे मुझे बहुत अच्छी वो टी शर्ट लग रही थी जब मैंने ऑर्डर की ना, तो मुझे कैसी मिली ये आपको मेरी वीडियो में पता लगेगा। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कौन सी वो टी शर्ट्स है जो मैंने मीशो से ऑर्डर की है, और कौन सी है प्लस साइज में और कौन सी है एक्सल और 2XL साइज में, और ये टी शर्ट्स की क्वालिटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले जो मैं आपसे टी शर्ट शेयर करना चाहती हूँ वो मैंने ऑर्डर की थी ये। तो गाइस, मैंने जब वहां से ऑर्डर की थी ना, ये कुछ इस टाइप की थी। इस टाइप का मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, कलर बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने खासकर निखार के लिए ऑर्डर की थी क्योंकि वो आपको पता है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है और वो इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियोस आती हैं, तो उसको बहुत ना वाइब्रेंट से कलर चाहिए होते हैं जो कि उसकी वीडियो में बहुत अच्छे लगे। तो इसलिए मैंने ये कलर उसके लिए ऑर्डर किया था। वहां पर मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा था, और उसके बाद मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे ये टी शर्ट वहां से मिली। तो गाइज, कलर इसका सेम टू सेम वही मिला, प्रिंट इसका सेम टू सेम वही मिला, लेकिन जैसी क्वालिटी मुझे वहां पर दिख रही थी ना, वहां पर मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन मुझे 100% वैसी क्वालिटी बिल्कुल नहीं मिली। ये थोड़ा सा ना, मतलब कॉटन के साथ ना नायलन का ब्लेंड है, तो उसके बाद जो ये प्रिंट था वहां पर बहुत बड़ा बड़ा ये प्रिंट लग रहा था, लेकिन ये प्रिंट था ना वो मुझे बहुत छोटा लगा। लेकिन ओवरऑल जब उसने ये टी शर्ट वेयर की थी ना, तो काफी अच्छी लग रही थी। गाइस, ये वहां पर मैंने उसको, वैसे उसको साइज आता है एम साइज, लेकिन ये मैंने एल में ऑर्डर की थी ताकि इसको ओवरसाइज टी शर्ट आ सके, बट इतनी भी ओवरसाइज टी शर्ट ये नहीं आई। मतलब ओवरऑल ये ओके प्रोडक्ट है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना कि बहुत बड़ा सा प्रिंट मिलेगा या बहुत अच्छा फैब्रिक मिलेगा, वहां इतना मतलब बड़ा प्रिंट नहीं है, इतना अच्छा फैब्रिक नहीं है, कॉटन ब्लेंड है। अगर आप कॉटन के फैन हो तो मुझे लगता है कि आपको ये टी शर्ट बाय नहीं करनी चाहिए। ऊपर से अगर आपको चाहिए ओवरसाइज टी शर्ट, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर ओवरसाइज टी शर्ट नहीं है। वहां पर मुझे ये प्रॉपर ओवरसाइज टी शर्ट लग रही थी, लेकिन ये प्रॉपर साइज ओवरसाइज टी शर्ट मुझे नहीं मिली। तो ये टी शर्ट इस टाइप की है, और इसकी मैं रेटिंग आज जो भी मैं अपने वीडियो में प्रोडक्ट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उसकी मैं साथ साथ रेटिंग भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इसको मैं 10 out of 10 क्या रेटिंग देना चाहती हूँ, 10 out of 6 रेटिंग देना चाहती हूँ। एक तो इसका मैं काटती है कि इसका प्रिंट वहां पर बहुत बड़ा दिया गया था, यहाँ पर प्रिंट इसका बहुत छोटा है, और दूसरी मतलब स्टिचिंग वाइज गुड है, कलर वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है उसके कारण ये मुझे कुछ ओके प्रोडक्ट लगा, लेकिन ये निखार ने डाली थी तो काफी अच्छी लग रही थी। तो निखार की पिक्चर भी मैंने साइड पे लगा दी है, जब आप देख सकते हो जब उसने डाली थी तो काफी अच्छी लग रही थी। तो ये ओके प्रोडक्ट है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। जो भी इसकी MRP है वो साथ साथ स्क्रीन पे आती जा रही है और आप देख सकते हो। तो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। उसके बाद जो मेरा सेकंड प्रोडक्ट है मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, वो अभी तक मैंने ये खोल के नहीं देखा। सच में मैंने सिर्फ इसको यहाँ से ऑर्डर किया था। मैंने सिर्फ, जब क्या होता है जब हम भैया से कलेक्ट करते हैं ना, तो मुझे देखना होता है यार कौन सा प्रोडक्ट आया, क्योंकि काफी सारे ऑर्डर किए होते हैं। तो मैंने सिर्फ ये खोल के देखा था कि कौन सा प्रोडक्ट आया। उसमें ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी, तो सेम टू सेम ये टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी जो यहाँ पर पिक्चर चल रही है, तो सेम टू सेम वही कलर मुझे रिसीव हुआ है। ये आपके साथ ही ये मैं टी शर्ट ओपन करने वाली हूँ। तो गाइस, कलर वाइज तो ये सेम टू सेम है, मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तो उसके बाद, और काफी प्यारी टी शर्ट लग रही थी, और ये प्लस साइज में अवेलेबल है। मेरा साइज है 4XL, जो भी मैं चीजें मंगाती हूँ 4XL साइज में मंगाती हूँ।
तो गाइस ये वहाँ पर 5XL तक साइज अवेलेबल है। अगर आप 5XL तक के साइज के हो तो आप वहाँ से अपना ये ऑर्डर बाय कर सकते हो। तो गाइस 5XL ये प्लस साइज में अवेलेबल है ये टी शर्ट्स। तो गाइस ये है कुछ इस टाइप की टी शर्ट। आपने देखा कि पिक्चर में ये टी शर्ट ऐसी लग रही थी, लेकिन गाइस सेम टू सेम मुझे वैसी ही टी शर्ट ये रिसीव हुई है। फैब्रिक भी इसका काफी सही है, कॉटन का फैब्रिक है, और इसका प्रिंट जैसा वहां पर दिया गया था, काफी बड़ा सा प्रिंट है, जैसा वहां पर दिया गया था सेम टू सेम इसका प्रिंट भी वैसा है, और अच्छी क्वालिटी का पेंट है। जो भी इस पर पेंट हुआ है ना वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, कॉटन का पेंट है, और फैब्रिक भी इसका सही है, और ये 5XL तक वहां पर साइज अवेलेबल है। मेरा साइज है 4XL, मैंने 4XL का ऑर्डर किया है। कलर वाइज बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसकी मुझे एक बात जो है वो नहीं अच्छी लग रही, तो जो मैंने खोलते टाइम ही इसको चेक कर लिया था। गाइज इसकी जो स्लीपर इस तरह की मतलब सिलाई है, जो कि मतलब मुझे क्लियर क्लियर नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही जिससे ये, तो गाइज ये सिलाई जो है वो मुझे इसकी पसंद नहीं आ रही टी शर्ट्स पे। तो नेक इसका ठीक है, लेकिन इसकी मुझे स्लीव्स की सिलाई अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ आपने कुछ नकली नकली सा पकड़ा हुआ है, मतलब क्या कहूँ मैं, आप देख सकते हो कुछ तो इसमें है जो प्रॉपर आपको अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट में देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये जो सिलाई दी गई है ना वो एकदम प्रॉपर मतलब अच्छी नहीं दी गई, कुछ मुझे इसमें से अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कलर वाइज बिल्कुल सेम है, लुक इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। जब मैंने इसको वेयर किया था तो लुक भी काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब ओके प्रोडक्ट है। ये जो सिलाई हुई पड़ी है ना, बस लाइज के लिए इसकी मैं ये काट रही हूँ। वैसे कलर वाइज अच्छा है, इसका प्रिंट अच्छा है, इसका मतलब फैब्रिक अच्छा है, और साइज भी इसका प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि मैंने 4XL बाय किया है तो छोटा साइज आया है, छोटा साइज एकदम 4XL ही है इसका, मतलब अच्छी लगी, आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, बस सिलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बस ये थी हमारी सेकेंड, और उसके बाद जो सेकेंड थर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है गाइस, ये ना मैंने जब वहां पर देखा था ना, ये पिक्चर लगी हुई है तो आप देखो, ये जब मैंने वहां पर देखा ना ये बहुत क्यूट लग रही थी, मुझे इसका जो प्रिंट था ना बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम क्यूट सा ये टॉम एंड जेरी वाला पेंट था, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब मैंने देखा ये प्लस साइज में भी अवेलेबल है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, वाओ। तो मैंने झट से इसको बाय कर लिया था, और बाय किया अपने फेवरेट कलर में, ब्लैक में। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। वैसे मेरा बस चले ना, मैं जो सारे कपड़े यहाँ से ऑर्डर करती हूँ ना, सारे ब्लैक कलर में करूँ, क्योंकि ब्लैक कलर जब आप डालते हो ना एक अलग सी पर्सनैलिटी आ जाती है ना। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है, किस किस को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो एक ना मैं आपके लिए ना, ये मुझे एक आइडिया आ गया अभी आपसे बात करते करते, कि मैं आपके लिए एक ब्लैक कलर हॉल भी लेके आऊंगी, जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की कुर्तीस, मतलब ब्लैक कलर का ही सब कुछ होगा। ब्लैक कलर का एक हॉल जरूर आएगा आप लोगों के लिए, और जिस चीज को ब्लैक कलर पसंद है वो चाहते हैं कि मैं ब्लैक कलर का एक हॉल लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो जल्दी से कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दो, ताकि मैं जल्दी से अपना वो हॉल बनाने की तैयारी शुरू कर दूं। तो गाइस उसके बाद है ये टी शर्ट जो मैंने बाय की है, इसके प्रिंट के कारण बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाती, कि गाइस ये टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, और मैंने ये 4XL में बाय की थी, और ये परफेक्ट साइज मुझे 4XL ही मिला है, साइज एकदम प्रॉपर है, और इसका प्रिंट पेंट इसका बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का पेंट है, जैसे वहां पर दिया गया था वैसा सेम टू सेम यहाँ पर मुझे पेंट मिला है, इसलिए ये टी शर्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। फैब्रिक भी इसका प्योर कॉटन का फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी का कॉटन है, स्टिचिंग भी इसकी अच्छी है, इसमें स्टिचिंग में भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम एग्जैक्ट जैसी अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट होती है ना, वैसे ही ये अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है, जैसे आप देख सकते हो। आप इसको कहीं भी डाल के जा सकते हो, आप इसको अपने जिम में डाल के जा सकते हो, आप मार्केट प्लेस में डाल के डाल, आप इसको जीन के साथ वेयर कर सकते हो, लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है, आप इसको किसी भी चीज के साथ वेयर कर सकते हो। तो और स्टिचिंग भी इसकी काफी अच्छी है, ओवरऑल ये टी शर्ट मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने इसको वेयर किया था और काफी प्यारी लग रही थी टी शर्ट, आप देख सकते हो काफी प्यारी लग रही थी।
तो मैं इसको देती हूँ 10 out of 10 और इसका बहुत ही MRP भी इसकी मतलब बहुत ही प्राइस भी इसका बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल था और आप देख सकते हो 300 कुछ इसका प्राइस था। तो मतलब प्लस साइज में अगर आप अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट ले सकते हो तो वो लेना चाहते हो तो गाइस इतना प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल ये टी शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आई, अगर आप बाय करना चाहते हो तो हाईली रिकमेंडेड है। प्लस साइज के लोग इसको बाय कर सकते हैं, 5XL तक वहाँ पर अवेलेबल है। मेरा साइज है 4XL, मैंने इसको 4XL में बाय किया है और इसकी फिटिंग मुझे प्रॉपर आई है। मेरी पिक्स आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये थी हमारी टी शर्ट, क्यूट क्यूट टी शर्ट। और उसके बाद जो हमारी 4 टी शर्ट है वो है ये, प्रिंट इसका बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट सी टी शर्ट है। ये भी मैंने निखार के लिए बाय की थी और निखार को काफी पसंद आई थी। तो गाइस बहुत ही क्यूट जैसा मैंने मतलब इसका प्रिंट वहां पर देखा था, ये पिक्चर साथ में लगी हुई आप देख सकते हो, जैसा मैंने इसका पेंट वहां पर देखा था ना वैसा सेम टू सेम यहाँ पर पेंट मुझे मिला है। एक बड़ा सा डोनट डक है इसके ऊपर जो कि काफी क्यूट है, उसके साथ इसके ऊपर है लेवेंडर कलर और आपको पता है कि आजकल ये कलर जो है ना वो ट्रेंड में है। तो ये मैंने बाय की थी निखार के लिए एल साइज में। ये गाइस ओवर साइज टी शर्ट्स हैं, मैंने इसको एल साइज में बाय किया था, थोड़ा सा बड़ा साइज बाय किया था निखार के लिए, लेकिन उसको एकदम ये ओवर साइज ही आई, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। साथ में मैंने इसकी पिक लगाई हुई है, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई, काफी मतलब अच्छी लगी ये टी शर्ट इसको। लेकिन गाइस इसमें थोड़ा सा ये ब्लेंड है इस टी शर्ट में भी थोड़ा सा, लेकिन हल्का सा लेकिन फील नहीं होता। लेकिन मुझे आपको प्रॉपर बताना है जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि हल्का सा इसमें कॉटन ब्लेंड है लेकिन वो फील नहीं होता है। एक तो एक बहुत घटिया क्वालिटी का लगता ना वो सब नहीं है, आप इसको बाय कर सकते हो गाइस। ये इस टाइप की टी शर्ट है, कलर इसका बहुत अच्छा है, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तब भी आप बाय कर सकते हो, अगर आप अपनी बेटी के लिए ऑर्डर कर रहे हो तब भी आप बाय कर सकते हो। ये वहां पर 2XL तक का साइज वहां पर अवेलेबल है, अगर आप 2XL के हो, 1XL के हो, XL के हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। काफी प्यारा पीस है, हल्का सा कॉटन ब्लेंड है। तो गाइस ये थी हमारी ओवरऑल ये टी शर्ट और इसका पेंट भी अच्छी क्वालिटी का है, जब इसको डालते हो तो इसकी लुक भी काफी अच्छी आती है, इसलिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो गाइस कर सकते हो, आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, काफी क्यूट टी शर्ट है। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा टी शर्ट हॉल, आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।